हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा jQuery कोर्स से रिलेटेड 44 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप jQuery इवेंट के स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का एक मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है इवेंट के मेथड और प्रॉपर्टीज की, जिसमें से रेड कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं ये हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखने वाले इवेंट का स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का मेथड और इज प्रोपेगेशन स्टॉप्ड नाम का एक दूसरा मेथड। तो आइए पहले समझते हैं स्टॉप प्रोपेगेशन मेथड का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑरेंज कलर का डिव है और उसके अंदर एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ और एक बटन। जो ये डिव है उसमें मान लीजिए हमने एक क्लिक इवेंट लगाया हुआ है और जो इसके अंदर एक बटन आ रहा है उस पर भी हमने एक क्लिक इवेंट लगाया हुआ है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो पहले बटन का क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिव का भी क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ तो डिव का क्लिक इवेंट ट्रिगर ना हो, वो तभी ट्रिगर हो जब मैं डिव पर ही क्लिक करूँ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का ये मेथड। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एचटीएमएल के एडिटर में हमने एक सिंपल सा एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर ऊपर एक आपको हेडिंग दिख रही है, उसके नीचे एक डिव है जिसके अंदर एक हमने सब हेडिंग दी है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक बटन है। यहाँ देखिए एचटीएमएल के एडिटर में, यहाँ पर जो हमने डिव लिया उस पर हमने आईडी लगाया बॉक्स, और यहाँ नीचे हमने jQuery की एक एक्सटर्नल JS फाइल लगाई है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अपना स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ और इसके अंदर आके jQuery का जो मैं अपना बेसिक कोड है उसको लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं जो ये हमारा डिव है इस पे क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ, इसकी हेडिंग पे भी अलग से क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ, पैराग्राफ और बटन पे भी अलग से क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिव नाम का जो हमारा आईडी बॉक्स है उसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं हैश बॉक्स भी लिख सकता हूँ या डिव भी लगा सकता हूँ, तो अभी मैं बॉक्स ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है क्लिक, इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं डिव पर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अलर्ट को ट्रिगर कर देता हूं, तो इसके लिए मैं देखिए अलर्ट यूज करूंगा और यहां पे जस्ट एक मैं मैसेज दे देता हूं, द डिव एलिमेंट वॉज क्लिक। अब इसी की कॉपी करके मैं S2 टैग पैराग्राफ और बटन के लिए भी अलग अलग सिलेक्टर पर क्लिक इवेंट लगा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर बस जस्ट मेरे को एक सिलेक्टर ही चेंज करना है और मैंने यहाँ लिख दिया S2 और इसके अंदर यहाँ पे भी मैसेज चेंज कर दिया S2 एलिमेंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ और लास्ट में मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ सिलेक्टर का नाम बटन। ऊपर भी मैसेज चेंज कर देता हूँ P एलिमेंट और यहाँ पे भी बटन एलिमेंट। मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए, जैसे ही मैं डिव पे क्लिक करूंगा तो यहां पर हमारा अलर्ट बॉक्स ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं यहां पे लिखा भी हुआ डिव एलिमेंट वॉज क्लिक। अब जैसे ही मैं आकर हेडिंग 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए सबसे पहले यहां पर S2 का जो हमारा अलर्ट है वो ट्रिगर हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिव का भी एलिमेंट ओपन हो गया। आप देख रहे हैं यहां पे जो डिव का लिए हमने अलर्ट लगाया था वो भी ओपन हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो S2 टैग है वो डिव टैग के अंदर ही आ रहा है, मतलब कि बॉक्स नाम के जो आईडी है उसके अंदर ही आ रहा है। तो जब हमने S2 पे क्लिक किया है तो बॉक्स पे भी क्लिक हो चुका है। अब देखिए जैसे मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो देखिए सबसे पहले पैराग्राफ का अलर्ट हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिव का भी अलर्ट ओपन हो चुका है। इसी तरह जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए पहले बटन का जो अलर्ट बॉक्स है वो ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे डिव का भी अलर्ट ओपन हो चुका है। तो इस इश्यू को हम बेसिकली कहते क्या है, इसको हम कहते हैं इवेंट बबलिंग, मतलब कि हमने एक जगह क्लिक किया तो दूसरा का भी क्लिक ओपन हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का मेथड। तो आइए देखते हैं, मैं उसको पैराग्राफ पे लगाता हूं और मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा इवेंट। तो उसके लिए मैं पहले फंक्शन के अंदर यहां पर इवेंट पास करूंगा, इवेंट नाम का एक वेरिएबल, आप इसकी जगह ई भी ले सकते हैं। मैं इवेंट लिख रहा हूं, इवेंट डॉट मैं यहां पे मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है स्टॉप प्रोपेगेशन। ये देखिए यहां पे मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां देखिए, अगर मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास दो तरीके के अलर्ट आएंगे, पहले S2 का और फिर डिव का। मगर जब मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो यहां पे सिर्फ एक ही अलर्ट आएगा,
ये देखिए पहले पी का अलर्ट आया और उसके बाद कोई भी अलर्ट नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पर इवेंट जो बबलिंग थी उसको बंद कर दिया, तो यहां पर सिर्फ पी का ही अलर्ट ट्रिगर हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर उससे पहले हमने यहां पर लगा दिया स्टॉप प्रोपेगेशन, मतलब कि इसके अगर पेरेंट पे भी कोई इवेंट लगा हुआ क्लिक पे तो वो ट्रिगर नहीं होगा। तो यही मतलब होता है स्टॉप प्रोपेगेशन का। अब इसी से रिलेटेड जो हमारा दूसरा मेथड है जिसका नाम है इज प्रोपेगेशन स्टॉप, उसको यूज करेंगे। वो मेथड बेसिकली करता क्या है, वो हमारे को दो तरीके के रिजल्ट देता है, ट्रू या फॉल्स। वो तब देता है ट्रू अगर हमने यहाँ पर स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का मेथड यूज किया हो। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो जो इज प्रोपेगेटेड स्टॉप मेथड है उसको हम यूज इसलिए करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमने स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का मेथड यूज किया है कि नहीं। अगर किया होगा तो वो आंसर दे देगा ट्रू, वरना वो आंसर दे देगा फॉल्स। तो देखिए यहां कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा के यहीं पर यूज कर लेता हूं इवन डॉट इज प्रोपेगेशन स्टॉप। मैं यहां पर विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए पहले हमारा ये अलर्ट होएगा, अलर्ट के साथ ही यहां पर ट्रू या फॉल्स दिखा देगा, तो इस केस में तो ट्रू ही आएगा। मैं फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए जैसे मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया तो देखिए यहां पर क्लिक के बाद लिखा आ रहा है ट्रू, आप देख रहे हैं। और अगर मैं यहां से आकर ये जो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का जो हमने मेथड यूज किया है इसको बंद कर देता हूं तो देखिए अब आंसर क्या आएगा। मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर भी मैं जस्ट एक थोड़ी स्पेस दे देता हूं। मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आया मैं, और जब मैं यहां पर पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो देखिए अब यहां पर आंसर आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहां पर स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का जो मेथड है उसको बंद कर दिया है, मतलब कि उसको लगाया ही नहीं है। तो जो हमारा ये आंसर है इज स्टॉप प्रोपेगेशन, ये हमारे को रिजल्ट दे रहा है फॉल्स। तो बेसिकली हम जो ये स्टॉप प्रोपेगेशन नाम का जो मेथड है इसको हम यूज ही इसलिए करते हैं कि हम जो इवेंट बबलिंग है उसको बंद कर सके। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।